हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एल्कोहल्स में एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड कंपैरेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम इनमें जो ऐसे एल्कोहल और फिनोल है, इनमें तुलनात्मक अम्ल सामर्थ्य का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें है एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स, ठीक है। तो यह है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। हमें पता है एल्कोहल जो है वो फिनोल की तुलना में वीक एसिड है, ठीक है। एल्कोहल क्या है? एक वीक एसिड है। एल्कोहल वीकली एसिडिक। इन एक्वस सॉल्यूशन एल्कोहल विल डोनेटेड इट्स प्रोटॉन टू वाटर मॉलिक्यूल टू गिव एन एल्कोक्साइड आयन। एल्कोहल एक्वस सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल को अपना प्रोटॉन देके क्या बनाता है? एल्कोक्साइड आयन बनाता है, ठीक है। तो ये क्या है? वीक एसिड है। इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हमारे पास है इथाइल एल्कोहल। जब एक्वस सॉल्यूशन में इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो एल्कोक्साइड आयन बनता है और हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव बनता है, ठीक है। और इसका जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए ऑफ एन एल्कोहल इज डिफाइंड बाय द इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये हमारा एल्कोहल है, वाटर है, और ये इक्विलिब्रियम है। साम्य में तो हमें क्या होता है? एल्कोक्साइड मिलता है और H3O पॉजिटिव है, ठीक है। और ये क्या के क्या है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट अपॉन क्रिएटिन, तो एल्कोक्साइड और H3O पॉजिटिव अपॉन ROH, ठीक है। और इसका पीके की वैल्यू क्या होती है? माइनस लॉग के, ठीक है। अब हम देखते हैं एसिडिटी ऑफ फिनोल्स की बात करें, इनके बीच में कंपैरेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे एल्कोहल्स और फिनोल्स के बीच में। तो फिनोल क्या है? स्ट्रोंगर एसिड है। किसकी तुलना में? एल्कोहल की तुलना, ठीक है। तो फिनोल इज ए स्ट्रोंगर एसिड देन एल्कोहल्स एंड वाटर। वाटर और एल्कोहल दोनों से ही फिनोल क्या है? स्ट्रोंगर एसिड है। क्यों है? क्योंकि एल्कोहल की रिएक्शन जब वाटर से कराते हैं तो एल्कोक्साइड आयन और H3O पॉजिटिव बनता है। और इसका जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है? 10^-16 टू 10^-18, ठीक है। ऐसे ही जब हम फिनोल की बात करें, फिनोल की H2 इक्विलिब्रियम में फिनोक्साइड आयन बनता है। क्या बनता है? फिनोक्साइड आयन और H3O पॉजिटिव। इसका जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है 1.2 × 10^-10। और जब एसिड H2O और जल के साथ क्रिया कराए इसकी तो हाइड्रोक्साइड आयन बनता है और H3O पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू होती है 1.8 × 10^-16, ठीक है। अब हम इनकी जो फिनोल और एल्कोहल में कंपेयर करें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को लेके, तो फिनोल एल्कोहल की तुलना में क्या है? मोर एसिडिक है। क्यों है? इसकी दो रीजन है, ठीक है। एक तो क्या होता है कि फिनोल और एल्कोहल में हम कंपेयर करें तो एल्कोहल में तो क्या होता है, जो एल्किल ग्रुप होता है OH ग्रुप से क्या लगा हुआ आता है? एल्किल ग्रुप। उसका क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, वो इजीली प्रोटोन को नहीं त्यागता, ठीक है, उसको मुक्त नहीं करेगा। जबकि फिनोल में क्या होता है? फिनोल में जो बेंजी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ क्या है? मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण बेंजीन में क्या होते हैं? डीलोकलाइज्ड होते हैं, जिससे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये इजीली प्रोटॉन को त्याग देता है। इसलिए फिनोल क्या है? एल्कोहल की तुलना में मोर एसिडिक है। दूसरा रीजन ये है कि एल्कोहल जब प्रोटॉन त्याग देता है, H+ मुक्त हो जाता है एल्कोहल से, तो क्या बनता है? एल्कोक्साइड आयन बनता है, और उसमें किसी प्रकार का कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं होता तो वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। जबकि फिनोल में क्या है? प्रोटॉन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है रेजोनेंस के कारण, और क्या बनता है? फिनोक्साइड आयन बनता है, और जो फिनोक्साइड आयन है वो रेजोनेंस से क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। इसलिए ये इजीली जो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फिनोक्साइड आयन की, ये फिनोल के कंपेयर में क्या है? मोर स्टेबल है। तो फिनोल फिनोक्साइड के रूप में ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये इजीली प्रोटोन त्याग देता है, और ये क्या है? मोर एसिडिक है एल्कोहल की तुलना में। अब हम इसको देखते हैं, द एल्कोक्साइड आयन, ठीक है, RO नेगेटिव। द नेगेटिव चार्ज इज कन्फाइंड टू द ऑक्सीजन एंड इज नॉट स्प्रेड ओवर द एल्किल ग्रुप। दिस मैच
आरओ आयन लेस स्टेबल, एल्कोक्साइड आयन क्या है इसके कारण लेस स्टेबल है, और मोर सबसेटिबल टू अटैक बाई पॉजिटिव आयन सच एज एच प्लस आयन। ठीक है, तो इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है और एल्किल ग्रुप का प्लस आई होता है, और जिससे क्या होता है नेगेटिव पे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, जिससे ये स्टेबल नहीं है, लेस स्टेबल है। ठीक है, सेकेंड हम बात करें फिनोक्साइड आयन की, तो फिनोक्साइड आयन में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। क्या होता है, रेजोनेंस। रेजोनेंस से ये क्या है, स्टेबल हो जाता है, और एल्कोक्साइड में रेजोनेंस नहीं होता। द फिनोक्साइड आयन वन ऑफ द आयन वन ऑफ द लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ऑक्सीजन एटम इज डीलोकलाइज्ड इनटू द बेंजीन। ठीक है, फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल बिकॉज द नेगेटिव चार्ज इज नॉट कन्फाइंड टू द ऑक्सीजन अबाउट ऑक्सीजन एटम सॉरी बट डीलोकलाइज्ड इनटू द बेंजीन रिंग। ये जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ये बेंजीन रिंग में क्या हो जाते हैं, डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं, जिससे ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। द फिनोक्साइड आयन इज रेजोनेटिंग स्टेबलाइज्ड बाय द बेंजीन रिंग and this decreases the tendency for the phenoxide ion to react with S3O positive. तो इस टाइप से हमने देखा कि एल्कोहल है वो फिनोल की तुलना में क्या है, लेस एसिडिक है, और फिनोल क्या है, मोर एसिडिक है। अब हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ एसिडिटी एल्कोहल्स में। The acidity decreases as the substitution on the alkyl group increases. ठीक है ना, जैसे जैसे एल्किल ग्रुप इंक्रीजेस होंगे वैसे वैसे क्या होगी, एसिडिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, इथाइल ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इससे क्या होगा, स्ट्रेंथेंस ऑफ OH बॉन्ड्स, हार्डर टू रिलीज ए प्रोटॉन। ठीक है, इसका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या डोनेटिंग इफेक्ट होते हैं प्लस आई इफेक्ट के कारण। क्या है ये, इस पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा जिससे ये इजीली प्रोटॉन को नहीं त्यागता है, और इससे ये क्या है, इसकी जो एसिडिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे हम कह सकते हैं मेथेनॉल इज मोर एसिडिक देन टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि इसमें एल्किल जो ग्रुप है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में इनका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, मतलब ये ऑक्सीजन पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज होगी तो ऑक्सीजन क्या है, इजीली प्रोटॉन को नहीं त्यागेगा, जिससे ये क्या है, लेस एसिडिक होगा। और मेथेनॉल में क्या है, एक ही एल्किल ग्रुप है जिसका इसकी कंपेयर में कम प्लस आई इफेक्ट है, इसलिए ये मोर एसिडिक है इसकी कंपेयर में टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल के कंपेयर में। द प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एटम्स इनहेंस द एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। इलेक्ट्रॉन, अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं, उनसे क्या होगी, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एटम हेल्प्स टू स्टेबलाइज द एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, जो मतलब कोई भी अल्कोहल है जब वो एसिडिक नेचर से एल्कोक्साइड आयन बनाता है तो इलेक्ट्रॉन जो विथड्रॉइंग ग्रुप है वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जैसे 2 क्लोरो एथेनॉल इज मोर एसिडिक देन एथेनॉल बिकॉज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग क्लोरीन एटम हेल्प्स टू स्टेबलाइज द 2 क्लोरो एथोक्साइड आयन। ठीक है, अब हम बात करें एथेनॉल की, और इसमें क्या करें, 2 क्लोरो एथेनॉल की। ठीक है, एथेनॉल है ये क्या बनाएगा, एथोक्साइड आयन, और 2 क्लोरो एथेनॉल क्या बनाएगा, 2 क्लोरो एथोक्साइड आयन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो एथेनॉल में तो क्या है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, पर 2 क्लोरो जो एथोक्साइड आयन है उसमें क्लोरीन का क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट है, तो ये ऑक्सीजन पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक तो नेगेटिव चार्ज है उसको कम कर देगा जिससे वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, इससे वो इजीली प्रोटॉन को त्याग देता है, मोर एसिडिक है इसके कंपेयर में, एथेनॉल के कंपेयर में। एल्कोहल विथ मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एटम आर मोर एसिडिक, जैसे 2-2 डाइक्लोरोएथेनॉल इज मोर एसिडिक देन 2 क्लोरो एथेनॉल। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज होंगे वैसे वैसे उसकी एसिडिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि वो जो एल्कोक्साइड आयन बनता है उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग वो माइनस आई इफेक्ट के कारण
एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम्स या ग्रुप, हेलोजन एटम्स, नाइट्रो जो भी है, क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये सब ठीक है। तो इस टाइप से हमने देखा एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स में कि जो एल्कोहल्स हैं उनकी एसिडिटी फिनोल से कैसे कंपेयर करते हैं। तो हमने इसमें देखा है कि एल्कोहल है वो फिनोल की तुलना में क्या है, लेस एसिडिक है, और फिनोल क्या है, मोर एसिडिक। क्यों है? क्योंकि हमने एक तो ये देखा कि जो एल्कोहल होते हैं उनमें क्या होता है, एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगता है, ठीक है, तो इजीली प्रोटोन को नहीं त्यागते हैं। जबकि फिनोल में क्या होता है, फिनोल में ये होता है कि फिनोल की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेंस होता है ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर होते हैं उसके कारण बेंजीन में, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, इसे इजीली क्या कर देता है, प्रोटोन को त्याग देता है। सेकंड हमने देखा कि जो एल्कोहल है उसमें क्या है, जैसे जैसे मतलब उसमें एल्कोक्साइड आयन बनेगा एसिडिक नेचर के बाद में, तो वो एल्कोक्साइड आयन है उसमें रेजोनेंस नहीं होता तो वो स्टेबल नहीं है। जबकि फिनोल में क्या बनता है, फिनोक्साइड आयन बनता है, तो रेजोनेंस के कारण बेंजीन जो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है वो बेंजीन में रेजोनेंस के कारण क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो फिनोल के कंपेयर में फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, इसलिए जो फिनोल है वो एल्कोहल के कंपेयर में मोर एसिडिक है। फिर हमने देखा कि जो जैसे जैसे हम एल्कोहल्स की बात करें तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस हाई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं वैसे वैसे एसिडिटी क्या होती है, इन वो डिक्रीज होती जाती है। क्यों? क्योंकि प्लस आई के कारण ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है जिससे वो प्रोटॉन को इजीली नहीं त्यागता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, वो बढ़ते होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि वो जब एल्कोक्साइड आयन बनता है उसको स्टेबिलाइज कर देते हैं। इस टाइप से हमने देखा एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड कंपैरेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल्स।